अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल आदम जी कोचिंग। यहाँ पर मैं आपको मैथ्स के सॉल्यूशंस करवाऊंगी। इंशाल्लाह ताला आपकी क्लास मैट्रिक की मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है पॉलीनोमियल्स का डिवीजन मेथड के जरिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है वो हमारे पास पॉलीनोमियल्स मौजूद है। अब जब तीन पॉलीनोमियल्स मौजूद होंगे तो किसको डिवीजन बॉक्स में रखें, किसको बाहर रखें। तो हम सबसे पहले करते क्या है कि जब तीन डिवीजन मौजूद हैं तो दो की डिवीजन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। थर्ड को बिल्कुल जो सबसे बड़ी है उसको बिल्कुल फाइनल लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये दो डिवीजन हमारे पास पॉलीनोमियल्स मौजूद है, इनकी डिवीजन करेंगे पहले। तो हमारे पास इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई फॉर्मूला नहीं अरेंज हो रहा, तो हम इसे इसी तरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिवीजन बॉक्स बनाएंगे, जो बड़ी वैल्यू है हम उसे अंदर रखेंगे, ठीक है, और छोटी वैल्यू को हम बाहर रखेंगे। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू है ये वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, और ये मेरे पास है छोटी, तो इसको बाहर रखा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2। अब मुझे फर्स्ट जो है वो टर्म जो है सबसे पहले कैंसिल करनी होती, तो मैं वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 को 1 से करूँ, तो मेरे पास यही चीज़ वापस आ जाएगी ना, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2। तो मुझे वाई स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2। साइन तब्दील कर दी जाती है, प्लस थी माइनस कर दी, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस कर दी, ये प्लस माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ से प्लस का 3y है और यहाँ पे माइनस का y है, 3y में से y माइनस किया तो मेरे पास पॉजिटिव 2y बच गया, प्लस का 2 है, प्लस का 2 है तो मेरे पास आ गया प्लस का 4। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों में से जो है वो, अब ये चीज़ जो हमारा डिवाइज़र है वो बड़ा हो गया है और डिवाइडर जो है वो छोटा हो गया है, तो अब क्या बन जाएगा, ये डिवीजन बॉक्स यहाँ बनेगा, ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा और ये चीज़ डिवीजन बॉक्स के अंदर जाकर डिवाइडेंट बन जाएगी। जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी कि हमारा जो है वो अंदर वाली टर्म छोटी हो जाएगी, बाहर वाली बड़ी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे और इसको बाहर रखेंगे। अब इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पर पहले तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस 4 में से मेरे पास आ गया y प्लस 2। अब हम लिखेंगे नाउ डिवाइड वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, जो हमारा डिवाइजर था उसको हम डिवाइड करेंगे बाय इससे वाई प्लस 2 से। डिवीजन बॉक्स बनाएंगे, ये हमारे पास डिवाइजर जो था वो डिवाइडर बन जाएगा और ये हमारा बन जाएगा डिवाइजर वाई प्लस 2। वाई प्लस 2 को मैं किससे करूँ मल्टीप्लाई के मेरे पास वाई स्क्वायर आ जाए, तो वाई से करती हूँ सिंपल, तो वाई वाई जाओ वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई से किया तो मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस का 2y, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया कैंसिल, यहाँ से प्लस का वाई है और माइनस का 2y है, तो एक माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा माइनस का वाई और यहाँ से बचेगा माइनस का 2। अब ये माइनस का वाई है, माइनस का 2 है, यहाँ पर वाई भी है और ये 2 भी है लेकिन प्लस का, तो हम माइनस 1 से अगर इसको करते हैं मल्टीप्लाई, कैसे वाई प्लस 2 को मैं कर दूँ माइनस 1 से, तो माइनस का वाई और माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 1 वाई और माइनस वाई, माइनस प्लस माइनस 1 2 ज़ा 2, तो मैंने माइनस 1 से किया तो मेरे पास आ गया माइनस वाई माइनस का। साइन जो है वो तब्दील करते हैं हम, माइनस थी प्लस कर दी, माइनस थी प्लस कर दी, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब ये दो टर्म जो हमारे पास जो दी हुई थी पॉलीनोमियल्स, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गई यहाँ पर वाई प्लस 2 से। तो अब जब थर्ड रह गई है उसको स्टार्ट करेंगे, तो यही हमारा डिवाइजर रहेगा वाई प्लस 2, जो हमें अभी तक जो है हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अगेन डिवीजन बॉक्स बनाएंगे, अब अंदर लिखेंगे हम वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, और डिवाइजर मेरा रहेगा वाई प्लस 2 ही। आप यहाँ पर हिंट भी दे सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि नाउ डिवाइड वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 बाय वाई प्लस 2 से। हम किसे डिवाइड कर रहे हैं पूरी टर्म को, वाई प्लस 2 से। वाई प्लस 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि वाई क्यूब कैंसिल हो जाए, तो वाई प्लस 2 को अगर मैं वाई स्क्वायर से करूँ, तो वाई स्क्वायर वाई ज़ा वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर 2 ज़ा 2y स्क्वायर, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का, एक प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर भी 2y स्क्वायर है, नीचे माइनस का 2y स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरे पास बच गया y प्लस 2। अब y प्लस 2 डिवाइजर भी है और यहाँ भी है, तो y प्लस 2 वाई स्क्वायर से किया था 1 ज़ा प्लस 1 ज़ा, प्लस 1 से करेंगे तो y प्लस 2 वापस आ जाएगा, y प्लस 2 1 ज़ा y प्लस 2, साइन पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई, कैंसिल हो गया दोनों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एच सी एफ इज वाई प्लस 2। आप चाहें तो चेकिंग भी कर सकते हैं वाई प्लस 2 को, आप फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दी गई पूरी मिला आप उसको वाई प्लस 2 से करें, वो भी पूरी टर्म कैंसिल हो रही होगी वाई प्लस 2 से, यानी ये एच सी एफ है तीनों जो है एक्सप्रेशंस का, तीनों पॉलीनोमियल्स का वाई प्लस 2 एच सी एफ है, और हमें यही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, जिससे हमारी जो लास्ट हमारी जो डिवाइजर होगा जिससे पूरी हमारी कैंसिल हो रही होगी पॉलीनोमियल, वो हमारा एच सी एफ होता है।
एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास. फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड. आपसे कह रहे हैं एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए पॉलीनोमियल्स का डिवीजन मेथड के जरिए. ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन जो है पॉलीनोमियल दी हुई है. तीन पॉलीनोमियल देने दी हुई हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने दो से ही स्टार्ट करना है. एक आपका डिवाइजर, एक आपका डिवाइडेड. जो आपका डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर होता है, जो डिवाइड हो रहा हो वो डिवाइडेड होता है. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो बड़ा है इन दोनों में से उसे अंदर रखना है और जो छोटा पॉलीनोमियल है उसे बाहर रखना है. ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो पहले कॉमन ले लेते हैं. पर यहाँ से ना कोई कॉमन आ रहा है ना फॉर्मूला आ रही है, तो सिंपल इसको इसी तरह स्टार्ट करेंगे. मेरे पास जाएगा डिवीजन बॉक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर. ये मेरे पास हो गया डिवाइडेड. डिवाइजर है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर. अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर को किससे करूँ कि मेरा ये एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाए. तो एक्स स्क्वायर आपके पास टर्म जो है वो दोनों सेम है, तो मैं इस पूरी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करूँ. किस तरह के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर को मैं कर रही हूँ 1 से, तो मेरे पास यही चीज़ वापस आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर. तो मैं 1 से करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर. यहाँ से मेरे पास प्लस का था माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया. माइनस का 3xy है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा. माइनस प्लस के 3xy में से माइनस का xy किया तो मेरे पास आ गया रिमेनिंग 2xy. प्लस का 2y स्क्वायर है, प्लस का 2y स्क्वायर है, तो मेरे पास ये हो जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर. ऐड हो गए ना प्लस की साइन. अब ये 2xy और प्लस 4y स्क्वायर, अब यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर मौजूद है. ये टर्म जो है वो दोनों इससे छोटी है. ठीक है, जब भी हमारा डिवाइडेंड छोटा हो जाएगा तो हम डिवाइजर को डिवाइडेंड बना लेंगे और डिवाइडेंड को डिवाइजर बना लेंगे. अब यहाँ पे देखिए मेरे पास है 2xy प्लस 4y स्क्वायर. इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन है, मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, तो 2y मैं कॉमन ले लूँगी. अंदर मेरे पास बचेगा x प्लस 2y. अब ये जो है मेरा डिवाइजर हो जाएगा. हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हो सकता है. x प्लस 2y, अब हम लिखेंगे नाउ डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर बाय एक्स प्लस 2y. हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवीजन बॉक्स बनाएंगे. एक्स स्क्वायर ये हमारे पास अब अंदर चला जाएगा माइनस 2y स्क्वायर. डिवाइजर है मेरे पास एक्स प्लस 2y. अब एक्स प्लस 2y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाए. तो एक्स प्लस 2y को अगर मैं सिंपल एक्स से करती हूँ तो एक्स एक्स आ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2y इज आ 2xy. तो मैंने कर लिया एक्स से, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy. साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर है प्लस का xy और नीचे है माइनस का 2xy. तो माइनस के 2xy में से एक प्लस का xy निकाल दिया, तो मेरे पास बचा माइनस का xy और माइनस का ही 2y स्क्वायर. अब दोनों जो है वो मेरे पास माइनस के हैं. यहाँ पर x मौजूद है, y मौजूद नहीं है. यहाँ पर मेरे पास y है और वाई स्क्वायर चाहिए. तो अगर मैं सिंपल इसको एक्स प्लस 2y को माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है, माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है माइनस वाई एक्स आ माइनस एक्स वाई माइनस प्लस माइनस माइनस वाई वाई टू वाई जा टू वाई स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ आ रही है, तो हम कर लिया माइनस वाई से, तो मेरे पास आ गया माइनस का एक्स वाई और माइनस का टू वाई स्क्वायर. साइन चेंज कर दे, माइनस की थी प्लस की कर दी, माइनस की थी प्लस की कर दी, माइनस प्लस कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल. तो एक्स प्लस टू वाई से मेरी जो है वो पूरी जो है वो पॉलीनोमियल वाली कैंसिल हो गई. तो अब जो हमारे पास थर्ड बची है, अब थर्ड जो बची है हमारी उसको हम डिवाइड करेंगे, इसी डिवाइजर से डिवाइड करेंगे. ठीक है, यहाँ लिखते हैं नाउ डिवाइड एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू वाई क्यूब बाय एक्स प्लस टू वाई. जैसे अभी हम वाली एक्सप्रेशन डिवाइड कर रहे थे इसी से करेंगे. यहाँ से मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू वाई क्यूब. और यहाँ पर मेरे पास डिवाइडर है एक्स प्लस टू वाई. तो मैं एक्स प्लस टू वाई को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए. तो एक्स प्लस टू वाई में मुझे चाहिए एक्स क्यूब, तो मैं एक्स स्क्वायर से करूँगी, तो एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को टू से किए टू वाई से किया तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई. फर्स्ट कैंसिल हो रही है तो फर्स्ट को जो है वो हम देखते हुए चलते हैं. एक्स स्क्वायर से किया तो हो गया एक्स क्यूब, यहाँ से आ गया प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई. साइन प्लस की थी माइनस की कर दी, प्लस की थी माइनस की कर दी,
ये तो कैंसिल हो गया, ये भी 2x² y है और ये माइनस का 2x² y है, तो प्लस माइनस का ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से मेरे पास बचा x² + 2y³, ये मेरे पास रिमेनिंग बचा। अब यहाँ मेरे पास x + 2y है, x की तो पावर 1 ही है मेरे पास, अगर मैं इसमें y² चाहिए तो मैं इसको y² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे xy² चाहिए। तो अगर मैं x + 2y को जो मेरा है डिवाइड कर रहा है जो, उसको मैं y² से मल्टीप्लाई करूँ तो y² x हो गया xy² और y² 2y हो गया 2y³। तो मेरे पास यही चीज़ आ रही है जो मुझे चाहिए, तो मैं कर लूँगी इसको प्लस y² से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पर xy² + 2y³, प्लस की साइन थी माइनस की कर दी, प्लस की साइन थी माइनस की कर दी, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि HCF जो है हमारे पास वो है x + 2y, जो आखिर तक डिवाइड करता हुआ आएगा पूरी पॉलीनोमियल को, वो हमारे पास HCF होता है। रफ कॉलम्स आपने लाजमी बनाने हैं, क्योंकि डिवाइड कर यहाँ पे आप करके देखेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो माइनस या प्लस की आप कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर कर देंगे।